देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे में सरकार वक्त रहते कोरोना पर कंट्रोल चाहती है। हरियाणा सरकार ने भी इसी को लेकर सभी जिलों के सीएमओ को एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि मौसम बदलने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। खांसी, बुखार, उल्टी समेत कई बीमारियों ने लोगों को जकड़ लिया है। इसी को लेकर अब हरियाणा सरकार फिर से गंभीर हो गई है। सरकार ने सभी जिलों के सीएमओ को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर वागीश ने बताया कि यमुनानगर में फिलहाल कोरोना मरीजों की संख्या 9 है, जिसमें इन सबको होम आइसोलेट किया गया है। डॉक्टर वागीश ने बताया कि खांसी, बुखार, जुकाम जैसी मरीजों को उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल यमुनानगर में करीब रोजाना 80 मरीजों की कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, लेकिन सरकार की एडवाइजरी को देखते हुए अब इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यमुनानगर में जो भी एक्टिव केस की स्थिति है वो 9 है, जिसमें कि हमारा जो रिकवरी रेट, जैसे कि शुरू से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में रहा, बहुत अच्छा रहा, 98% रहा। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी हमारा 4.54% रहा। अनफॉर्चुनेटली हमने 458 लोगों की जान यमुनानगर में गंवानी पड़ी। दूसरा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो लेटेस्ट गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है वो ये है कि सरकार की तरफ से कि जो सारी और ILI के जो केसेस हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, उनके ऊपर नजर रखने को कहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें मास्क लगाने को लेकर किसी तरह के कोई आदेश नहीं दिए गए, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी किया है। कोरोना को देखते हुए बहुत गंभीर रहा और इसको लेकर कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर ने देश में तबाही मचाई थी, जिसे रोकने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग फेल साबित हुआ था। हालांकि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसमें मास्क लगाने को लेकर किसी तरह की कोई आदेश नहीं दिए गए, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी किया है। अनुरोध भी है, मास्क का भी फिलहाल चलान के लिए कोई आदेश नहीं प्राप्त हुए, बट हिदायत जरूर आई है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, जो 5-fold स्ट्रेटेजी थी, जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड वैक्सीनेशन और अडेरेंस टू द कैब, ये करने के लिए सरकार ने हमें जरूर हिदायत दी है। हालांकि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें मास्क लगाने को लेकर किसी भी तरह के आदेश नहीं दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर ने देश में तबाही मचाई थी, जिसे रोकने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग फेल साबित हुआ था। अब सरकार इसे दोहराना नहीं चाहती है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।